नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल पर। ये आपका आर्टिकल है चिकित्सीय अवशिष्ट से संबंधित, यानी कि मेडिकल वेस्ट से संबंधित। तो देखेंगे कि आखिर ये किस संदर्भ में अभी चर्चा में है, और जानेंगे कि अगर आखिर चिकित्सा अवशिष्ट होता क्या है। फिर बात करेंगे चिकित्सा अपशिष्ट के प्रकार, यानी कि कितने टाइप के होते हैं। चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण किस प्रकार से हो सकता है उसे भी देखेंगे। चिकित्सीय अपशिष्ट यानी कि मेडिकल वेस्ट हैंडलिंग के लिए सर्वोत्तम अभ्यास क्या है उसे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चिकित्सीय अपशिष्ट, तमिलनाडु में विपक्ष ने राज्य सरकार से चिकित्सीय अपशिष्ट के निदान के विषय पर प्रश्न किया है। आखिर है क्या ये चिकित्सा अपशिष्ट की परिभाषा। चिकित्सा अपशिष्ट किसी भी प्रकार का अपशिष्ट है जिसमें संक्रामक सामग्री या फिर ऐसी सामग्री जो संभावित संक्रमण है। इस परिभाषा में चिकित्सक के कार्यालयों, अस्पतालों, दंत चिकित्सा पद्धतियों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सा अनुसंधान सुविधाओं और पशु चिकित्सा क्लिनिक जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं से उत्पन्न अपशिष्ट शामिल होते हैं। इनमें जो भी प्रयोग होते हैं चिकित्सा से संबंधित और उनके उससे उत्पन्न जो भी अपशिष्ट निकलता है उसे शामिल किया गया है आपका चिकित्सा अपशिष्ट में, ठीक है। चिकित्सा अपशिष्ट के प्रकार की बात करें हम लोग तो शब्द चिकित्सा अपशिष्ट यानी कि मेडिकल वेस्ट स्वास्थ्य उद्योग के विभिन्न उत्पादों की एक विस्तृत विविधता को कवर कर सकता है। व्यापक परिभाषा में कार्यालय कागज और अस्पताल व्यापक अपशिष्ट शामिल हो सकते हैं। नीचे दी गई सूची WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहचानी गई सबसे सामान्य अपशिष्ट श्रेणियों को प्रदर्शित करती। सार्प अपशिष्ट, इस तरह के कचरे में कुछ भी शामिल होता है जो त्वचा को छेद सकता है, जैसे आपकी सुई हो गई, स्केलपेल, लेंसेंट, टूटे ग्लास, रेजर, एम्प्यूल्स, स्टेपल, तार और टुकार शामिल होते हैं, ठीक है। संक्रमक अपशिष्ट, संक्रमक या फिर संभावित रूप से संक्रमक कुछ भी श्रेणी में आता है जिसमें आपका सोयबेब, ऊतक, मलमूत्र, उपकरण और प्रयोगशाला संस्कृतियां भी शामिल होती हैं। फिर आपका रेडियोधर्मी अपशिष्ट, इस तरह के कचरे का आमतौर पर अप्रयुक्त रेडियोथेरेपी तरल या फिर प्रयोगशाला अनुसंधान तरल होता है, या किसी भी गिलास वेयर या इस तरह से दूषित अन्न आपूर्ति से मिलकर बन सकता है। फिर मरीज के अपशिष्ट, मानव तरल पदार्थ, ऊतक, रक्त, शरीर के अंग, शारीरिक तरल पदार्थ और दूषित पशु सब इस अपशिष्ट श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। फिर आपका फार्मास्यूटिकल्स अपशिष्ट, इस सामूहिकरण में सभी अभियुक्त एक्सपायर्ड और दूषित टीके ड्रग्स शामिल हैं। इसमें एंटीबायोटिक्स, इंजेक्शन और गोलियां भी आपकी शामिल की जाती हैं। फिर आपका रासायनिक अपशिष्ट, एक कीटाणुनाशक है, प्रयोगशाला के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सॉल्वेंट्स, बैटरी और चिकित्सा उपकरणों से भारी धातुओं जैसे टूटे थर्मामीटर से पार। फिर आपका जेनोटॉक्सिस अपशिष्ट, यह मेडिकल कचरे का एक अत्यधिक खतरनाक रोग है जो या तो कार्सिनोजेनिक, टेराटोजेनिक या फिर म्यूटाजेनिक है। इसमें कैंसर के उपचार में उपयोग के लिए साइटोटॉक्सिक दवाओं को शामिल किया जा सकता है। सामान्य गैर विनियमित चिकित्सा अपशिष्ट, गैर खतरनाक अपशिष्ट भी कहा जाता है। इस प्रकार का कोई भी विशेष रसायन, जैविक, भौतिक या फिर रेडियोधर्मी
जिनसे खतरा नहीं है। आप समझ सकते हैं सीधा सा, मेडिकल वेस्ट है, आपने सुना होगा प्लास्टिक वेस्ट, टेक्निकल वेस्ट, तो उसी तरह से आपका मेडिकल वेस्ट, इसमें जो भी उपयोग होता है वो उसके बाद खराब हो जाता है। जैसे सुई, आप किसी को इंजेक्शन लगाया गया, ठीक है, उसके बाद वो सुई एक को लगाने के बाद ख़त्म हो जाता है उसका, दूसरे को भी तो वही उपयोग नहीं कर सकते हम। वो अलग बात है कि अभी भी गांव की तरफ अगर आप देखते होंगे तो डॉक्टर एक से दो दो तीन तीन को लगा देते थे, तो वो बचेगी तो कहाँ जाएगी आखिर। तो उसी की बात, उसी तरह के जो भी अपशिष्ट निकलते हैं बात चल रही है। मेडिकल वेस्ट का निस्तारण की बात करें, यानी कि आप चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण की बात करें, तो वहाँ कई चिकित्सा अपशिष्ट निपटान के तरीके स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से चुने सकते हैं। पहला सवाल यह है कि कचरे का निस्तारण कहाँ होता है, ऑन साइट या फिर ऑफ साइट। दूसरा यह है कि अगर यह ऑफ साइट से डिस्पोज किया जाता है तो कचरे को कैसे पहुँचाया जाता है। चिकित्सा कार्यालयों के लिए मेड प्रो अपशिष्ट निपटान का कम लागत सुरक्षित चिकित्सा अपशिष्ट निपटान के साथ पूर्वानुमानित सेवा और अनुमानित लागत प्रदान करता है। साइट पर उपचार की बात करें, चिकित्सा अपशिष्ट का ऑन साइट उपचार आमतौर पर बड़े और अच्छी तरह से मौद्रिक अस्पतालों और सुविधाओं तक सीमित है। साइट पर उपचार अत्यंत लाभ लागत निषेधात्मक है, क्योंकि आवश्यक उपकरण खरीदना महंगा है, बनाए रखने के लिए महंगा है और प्रबंधन और चलाने के लिए भी महंगा है। इस तरह के उपकरणों के आसपास नियामक भूल भुले या प्रवेश के लिए एक और बाधा प्रस्तुत करता है। ऑफसाइट उपचार, ऑफसाइट चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सबसे छोटे और मध्यम आकार की चिकित्सा पद्धति और सुविधाओं के लिए कहीं अधिक लागत प्रभावी विकल्प है। तृतीय पक्ष में विक्रेता जिनका मुख्य व्यवसाय स्वास्थ्य देखभाल अपशिष्ट संग्रह और निपटान है, के पास प्रक्रिया को संभालने के लिए आवश्यक उपकरण और प्रशिक्षण है। विक्रेता कचरे को ट्रक या फिर मेल द्वारा एकत्रित कर सकते हैं। ट्रक सेवाओं को नियमित विनाश के लिए कचरे को दूर करने के लिए विशेष रूप से लाइसेंस प्राप्त निपटान कंपनी के साथ अनुबंध की आवश्यकता होती है। कचरे को विशेष कंटेनरों में समर्पित निपटान सुविधा में रखा जाता है। उपचार के लिए सुविधा के लिए कचरे को सुरक्षित रूप से जहाज करने के लिए मेल या फिर बॉक्स सेवाएं अमेरिकी डाक सेवा का उपयोग करती हैं। यह आमतौर पर सभी तरीकों से सबसे अधिक लागत प्रभावी है। इसके लिए एक विक्रेता की आवश्यकता होती है जो सभी विशेष डाक सेवा नियमों और सर्वोत्तम प्रथाओं में पूरी तरह से पारंगत और अनुभवी हो। फिर आपका चिकित्सा अपशिष्ट उपचार के तरीके, जहाँ चिकित्सा अपशिष्ट संसाधित किया जाता है अंततः इसका इलाज भस्म, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेव, जैविक या फिर रासायनिक उपचार द्वारा किया जाता है। एक बार सबसे लोकप्रिय विधि के रूप में 1990 के दशक से उपयोग में कमी आई, क्योंकि विनियमन ने अन्य तरीकों को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। भस्मीकरण, 1997 से पहले संक्रमक द्वारा सभी संक्रमक चिकित्सा अपशिष्ट का 90% से अधिक का निपटान किया गया था। EPA के नियमों में बदलाव से प्रदाताओं को अन्य निपटान साधनों की तलाश करने में मदद मिली। यह अभी भी एकमात्र तरीका है जिसका उपयोग पैथोलॉजिकल वेस्ट पर किया जाता है। उदाहरण के लिए शरीर के अंग और पहचानने योग्य ऊतक, ऑटोक्लेविंग, स्टीम नसबंदी, बायो हजार्ड्स अपशिष्ट को गैर संक्रमक प्रदान करता है। इसके निष्फल होने के बाद अपशिष्ट को सामान्य रूप से ठोस अपशिष्ट लैंडफिल में निपटाया जा सकता है या फिर इसे कम कड़े नियमन के तहत निष्क्रिय किया जा सकता है। माइक्रोवेविंग,
खतरनाक स्वास्थ्य देखभाल अपशिष्ट को गैर खतरनाक तरीके से विस्तृत करने का एक और तरीका यह है कि इसे उच्च शक्ति वाले उपकरणों के साथ माइक्रोवेव किया जाए। ऑटोक्योलिंग के साथ यह विधि कचरे को सामान्य लैंडफिल तक खोलती है। पर्याप्त का रासायनिक उपचार, प्रतिक्रियाशील रसायनों को लगाने से कुछ प्रकार के रासायनिक कचरे को निष्प्रभावी किया जा सकता है जो इसे निष्क्रिय कर देते हैं। जैविक बायो मेडिकल कचरे के उपचार की यह प्रायोगिक विधि खतरनाक है। संक्रामक जीवों को बेअसर करने के लिए एंजाइम का उपयोग करती है। यह अभी भी विकास के अधीन है और शायद ही कभी अभ्यास में उपयोग किया जाता है। पर्याप्त मेडिकल वेस्ट हैंडलिंग के लिए सर्वोत्तम अभ्यास। हेल्थ केयर कार्यकर्ता कुछ प्रमुख सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करके अधिकांश चिकित्सा अपशिष्ट समस्याओं से बच सकते हैं। कर्मचारियों को कानूनों को जानना चाहिए, फिर सभी कचरे को सही रंग कोडित अपशिष्ट कंटेनरों में वर्गीकृत करके अलग करना चाहिए। अपशिष्ट को उसकी श्रेणी के आधार पर लेबल किया जाना चाहिए और सही दस्तावेज पारक गमन के दौरान सभी कंटेनरों के साथ होना चाहिए। एक भरोसेमंद चिकित्सा अपशिष्ट निपटान कंपनी का काम करने के लिए इन सर्वोत्तम प्रथाओं को याद रखने में मदद कर सकती है। स्वास्थ्य देखभाल अपशिष्ट कानूनों को जाने हेल्थ केयर कचरे को .EP-OSHA और DEA द्वारा विनियमित किया जाता है। खतरनाक कचरे को तैयार करना, स्थानांतरित करना और निपटान करते समय प्रत्येक एजेंसी से सभी दिशा निर्देशों के बारे में जानना महत्वपूर्ण होता है। पर्याप्त का चिकित्सा अपशिष्टों को सही ढंग से वर्गीकृत करें। जिस तरह के कचरे से आप निपट रहे हैं उसकी पहचान करना ठीक से निपटान में पहला कदम है। ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए बाकी के साथ गैर खतरनाक कचरे को डालने से बचें। यह आपका उसी तरह से है जिसने देखा होगा आपने कि अभी कुछ ही सालों से गीला कचरा, सूखा कचरा, गाड़ी आती है जब आपके यहाँ तो उसमें दो कारखाने होते हैं, यानी कि दो हिस्से होते हैं, एक में गीला कचरा डाला जाता है, एक में सूखा कचरा। तो उसी तरह से इसे भी वर्गीकृत किया जा सकता है। कचरे को अलग करना, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, पैथोलॉजिकल और नॉन हेजर्ड सहित विभिन्न श्रेणियों में अपशिष्ट को अलग किया जाना चाहिए। विनियमित चिकित्सा अपशिष्ट लाल बैग में जाता है। इन थैलियों में जाने वाले सॉप्स को पहले पंचर प्रूफ कंटेनर में रखा जाना चाहिए। प्रयोग कंटेनरों का उपयोग यह कैसे वर्गीकृत है, इस आधार पर सभी कचरे को अनुमोदित कंटेनरों में डालें। कुछ अपशिष्ट प्रमाणित कार्डबोर्ड बॉक्स में जा सकते हैं जबकि अन्य कचरे को विशेष टब में डाल दिया जाता है या फिर यहाँ तक कि पारगमन के लिए बंद कर दिया जाता है। हेल्थ केयर अपशिष्ट कंटेनर और बैग को शिपमेंट के लिए टैप किया जाना चाहिए, फिर DOT वजन प्रतिबंध के अनुसार पैक किया गया। कंटेनर पिकअप और शिपिंग से पहले एक सुरक्षित सूखे क्षेत्र में संग्रहित किया जाना चाहिए। परिवहन से पहले सभी कचरे को ठीक से लेबल करना आवश्यक है। फिर आपका दस्तावेजीकरण, विदाता और अपशिष्ट निपटान कंपनी दोनों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य देखभाल कचरे का उचित विलेवन महत्वपूर्ण है। सही कागजी कार्रवाई पूरी प्रक्रिया में प्रत्येक कंटेनर और बैग के साथ होनी चाहिए। चिकित्सा अपशिष्ट निपटान रंग के कोड का उपयोग करें। अपशिष्ट पृथक्करण के लिए रंग कोडिंग प्रणाली सभी सार को पंचर प्रतिरोधी लाल बायो हजार्ड कंटेनरों में जाने के लिए बुलाती है। बायो हजार्ड कचरा लाल बैग और कंटेनरों में जाता है। पीले कंटेनर कामो केमो कचरे का पता लगाने के लिए होते हैं
जबकि फार्मास्यूटिकल कचरा खतरनाक सामग्री के लिए काले कंटेनर में जाता है और अन्य सभी के लिए नीला होता है। फ्लोरीन 18, आयोडीन 131 जैसे रेडियोधर्मी कचरे को रेडियोधर्मी विधि के साथ चिन्हित परिरक्षित कंटेनरों में डाल दिए जाते हैं। भागीदारी द्वारा मल्टीपल रेगुलेटिंग बॉडीज विभिन्न खतरों और कई अलग अलग तरह के कचरे स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए एक कठिन चुनौती पेश करते हैं। एक विश्वसनीय विक्रेता के साथ साझेदारी करना अक्सर महत्वपूर्ण होता है इसमें। तो ये था आपका चिकित्सीय अपशिष्ट यानी कि मेडिकल वेस्ट।